साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई सिर्फ फ्लाइट से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे फ्लाइट का क्या है, कमेंट तो फ्लाइट के ही आते हैं और तो आजकल आने ही बंद हो गए। उसमें मैं बताऊंगा साथियों कि आने वाले जो टाइम है 16 मई से स्टार्ट हो रहा है, 23 मई तक जो चलेगा प्रोग्राम, इसमें कितने कंट्रियों के कितने कितने फ्लाइट आएंगी पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा। बाकी आपको पता ही, 7 दिनों में साथियों 30,000 भारतीयों को रिकवर करने का पूरा प्लान है। इसमें लगभग 150 के करीब फ्लाइटें उड़ान भरेंगी। तो हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। सबसे ज़्यादा दुबई की फ़्लाइट हैं इसमें 150 फ्लाइट्स में, या फिर हैं यूएसए की फ़्लाइट। दुबई की 11 फ्लाइटें हैं। मैं पूरी डिटेल के साथ समय सारणी बता दूंगा, स्टेट का नाम बता दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई आपकी स्टेट में कौन सी है। ज़्यादातर भाई केरला की है। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे केरला, तो भाई पूरी दुनिया एक तरफ कर दो और 50% एक तरफ कर दो, सिर्फ केरल स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। पूरा भारत अलग कर लो और सिर्फ केरला अलग कर लो, इतनी दुनिया पॉपुलेशन रहती है केरला की, तो भाई फिर फ्लाइट भी ज़्यादा वहीं जाएगी ना। हमारे राजस्थान के तो हालात इतने ख़राब हैं यार, कोई फ्लाइट का नाम ही नहीं आया। इन 7 कंट्रियों में भी शायद यूरोपीय कंट्री का 1-2 फ्लाइट का नाम आया, भाई गलत का तो कोई नाम ही नहीं आया। तो मैं शुरुआत करता हूँ दुबई से रिलेटेड। मैंने सारणी बना के रखी है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आने वाले फ्लाइट कौन से टाइम में किस किस तरह से उड़ान भरेगी। साथियों बता दूं, फर्स्ट फ्लाइट आबू धाबी से निकलेगी, यूएई से आबू धाबी से 17 मई को, ठीक है साथियों, 17 मई को निकलेगी 15:15 पे, और 20:20 पे पहुंचेगी कोची केरला। जी हाँ साथियों, केरला की फ़्लाइट है। इसमें 177 यात्री एक साथ में फ़्लाइट करेंगे। सेकंड साथियों, उसी दिन की फ़्लाइट है 17 मई की दुबई से केरला के लिए है, और आगे उतरेगी कोची, जिसमें 17 मई को दुबई से साथियों 12:00 का इनका टाइम है, और 18:10 पे ये पहुंच जाएगी कोची। 2 फ्लाइट सेम डे हैं, एक आबू धाबी से, एक दुबई से। आगे 18 तारीख की साथियों आबू धाबी से फिर फ्लाइट है केरला से, केरला के लिए है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा है, वहाँ ये लैंड करेगी। 13:40 पे वहाँ से उड़ान भरेगी, 19:20 पे पहुँच जाएगी। 177 यात्री इसमें फ्लाइट करेंगे। आगे की बात करूँ साथियों, 18 मई की दोबारा फ्लाइट है दुबई से, कर्नाटका के स्टेट के लिए है। स्टेट इसमें कर्नाटका रहेगा, मैंगलुरु इसका फ्लाइट का अड्डा, फ्लाइट उतरेगी। 13:30 पे वहाँ से उड़ान भरेगी, 18:30 में पहुँच जाएगी। ठीक है साथियों, 177 यात्री इसमें उड़ान भरेंगे। आगे साथियों, 19 तारीख की फ़्लाइट है आबू धाबी से आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश से स्टेट की ये फ़्लाइट है। विशाखापट्टनम में ये फ़्लाइट लैंड करेगी, 15:08 पे वहाँ से उड़ान भरेगी, और 20:45 पे लैंड करेगी। 137 यात्री इसमें उड़ान भरेंगे एक साथ। आगे मैं बात करूँगा साथियों, 19 तारीख का दिल्ली का शेड्यूल है, दुबई से फ़्लाइट लैंड करेगी, उड़ान भरेगी दिल्ली 13:00 फिक्स, यानी 1:00 रात को वहाँ से उड़ान भरेगी। 18:10 पे दिल्ली पहुँच जाएगी, 177 यात्री इसमें उड़ान भरेंगे। साथियों 22 मई से फ्लाइट है, 22 तारीख की जो मई की फ़्लाइट है ये दुबई से है तेलंगाना के लिए, हैदराबाद इस लैंड करेगी 13:00, यानी रात को 1:00 वहाँ से निकलेगी दुबई से, और ये 18:20 में इंडिया पहुँच जाएगी हैदराबाद। 177 यात्री इसमें आएंगे। इस मई की फ़्लाइट है आबू धाबी से केरला कन्नूर के लिए, केरला स्टेट है, कन्नूर वहाँ का जिला है, वहाँ के लिए है ये 14:30 में वहाँ से निकलेगी, और 20:00 ये पहुँच जाएगी कन्नूर। 177 यात्री उसमें उड़ान भरेंगे। आगे साथ दुबई से फ़्लाइट है उड़ीसा के लिए, जो भुवनेश्वर लैंड करेगी। इसमें आगे नहीं बताया गया टाइम और यात्री इसमें नहीं बताए गए, शेड्यूल शायद बना नहीं होगा इनका। आगे हम बात करते हैं साथियों, 23 मई की दुबई से फ़्लाइट है केरला के लिए, केरला स्टेट के लिए, तिरुवनंतपुरम वहाँ पे है ये, तिरुवनंतपुरम फ़्लाइट लैंड करेगी 13:45 में दुबई से निकलेगी, और 19:25 पे ये पहुँच जाएगी अपने। इसमें यात्रियों की संख्या नहीं दी गई है। ये आगे हम बात करते हैं साथियों, 23 मई से दोबारा एक फ़्लाइट है जो दुबई से है केरला के लिए है, कोचीगोड़े जो इसका कोई जिला है वहाँ पे ये लैंड करेगी, 15:10 में वहाँ से निकलेगी, 20:40 में वहाँ लैंड करेगी केरला में। 177 यात्री इसमें फ़्लाइट करेंगे साथियों। तो भाई दुबई के लिए देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कहाँ की है, कोची चेन्नई की फ़्लाइट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये फ़्लाइट का शेड्यूल है, इसमें नो डाउट ये पूरी सारणी बनाई गई है 31 देशों की,
149 फ्लाइट हैं, 30,000 को रिकवर करना है, कैसे किया है। तो दुबई की यही फ़्लाइट हैं आने वाले 7 दिन में। तो आप देख लीजिए आप कौन से स्टेट के हैं, आपको किस तरह से नंबर आना है, क्या होना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाया तो भाई रजिस्ट्रेशन करवा लें, बिना रजिस्ट्रेशन के नंबर नहीं आने वाला। बस आती हुई अपडेट थी, जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो को अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जैसे ही नए अपडेट डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।